हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना किचन रेसिपी। तो आज मैं बताऊंगी दूध में चीनी मिलाकर पीने से सेहत में होते हैं बहुत सारे नुकसान। तो सबसे पहले कारण होता है दूध में चीनी मिलाकर पीने से सूजन का कारण बनता है, क्योंकि जो शुगर है वो सूजन पैदा करने का सबसे प्रमुख कारण होता है। दूसरा, वजन बढ़ाता है। तीसरा है, समय से पहले एजिंग होती है। अगर रोज़ाना दूध में चीनी डालकर पीला जा रहा हो तो त्वचा में काफ़ी ज़्यादा फाइबर भी ब्रेक हो जाता है, जिससे कि उम्र और भी ज़्यादा दिखने लगती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, कोई भी फूड आइटम जिसमें चीनी होती है वह लीवर को बैड कोलेस्ट्रॉल में बढ़ा देती है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर में सुक्रोज होते हैं वैसे ही दूध में लैक्टोज होते हैं और यह भी शुगर का कारण बनती हैं। अपच, दूध और शुगर को साथ में लेने से अपच की परेशानी भी होती है। एक्ने, एक्ने दूध में चीनी डालकर पीने से एक्ने की समस्या होती है। अब शुगर और दूध दोनों ही इन्फ्लेमेटरी फूड है, दोनों में हार्मोन्स बैलेंस को बिगाड़ देता है। फैटी लीवर, शुगर लीवर में फैटी बनाता है, जिस वजह से फैटी लीवर हो जाता है। यहाँ तक कि शुगर का बहुत ही कम अमाउंट भी दूध के साथ लेने से लीवर का साइज बढ़ जाता है। नींद में कमी, आजकल लाइफ स्टाइल में नींद की बहुत ही आम समस्या हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध के साथ चीनी लेने से नींद डिस्टर्ब होती है? तो न्यूट्रिशंस अधिकतर ये होता है कि दूध पीने के बाद नींद अच्छी आती है, लेकिन अगर दूध में चीनी मिलाकर पिया जाए तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है और ज़्यादा शुगर खाने से नींद की परेशानी होती है। तो ये थी खास जानकारी कि दूध में चीनी मिलाकर पीने से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, और साथ ही साथ आप चीनी की जगह गुड़ ले सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूध, चाय या कॉफ़ी किसी में भी चीनी को लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हरे कृष्णा।